हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, आज मीटिंग हुआ है ऑस्मोस टेक्नोलॉजी कंपनी का, तो जानते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ, कौन कौन आए हैं, तो देखिए मीटिंग में और कौन अटेंड किया है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। वाक्य को लेकर मैं शायद आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और जो शेवाड़े सर ने कहा था कि हमने एक लीगल नोटिस भेजा था, तो मैं जस्ट आपसे जानना चाहता हूं तो मैं आगे बात कर सकता हूं अच्छे तरीके से, मैं आपको डाउनलोड कर सकता हूं कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कंपनी ने अगर लीगल नोटिस डाला था तो आपके मन में क्या ख्याल आया और आप क्या सोच रहे। देखो, आप बहुत बड़े बड़े लीडर्स हो, आपने ठीक है, आपने मिला है, जिनको मिला है मैं उनको पूछ रहा हूँ, आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर सर वेबसाइट के ऊपर डाल दीजिए आज का अपने वेबसाइट में, तो सबको मिल जाएगी। तो कंपनी इज इन द एक्शन राइट, और पीछे भी बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया था। यस सर। सर, वैसे कहा जाता है कि चोर होता है ना, वो लेके भाग जाता है। हाँ, वो कोर्ट में नहीं जाता है। राइट, हम जा रहे हैं। राइट, तो कंपनी चोर नहीं है ना, ये हम सबको बोल पाएंगे। राइट, सही बात। तो यही जो है ना जज्बा, ये जज्बा आपको मार्केट में खड़ा करेगा। मेरा नाम एडवोकेट आनंद भगत, पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कोर्ट के अंदर, और मेरी जो शुरुआत हुई थी वो नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्टर के साथ में शुरुआत हुई थी, जिसका मैंने मेल किया था 2000 में। और तभी से ये बाइनरी 1 2 4 8 16 32 मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। और कितने लोगों का मैंने, डायरेक्टर लोगों का और कितने कंपनियों का मैंने प्रॉब्लम देखा होगा, यू कैन नॉट इमेजिन। और वही एक्सपीरियंस लेके कुछ सालों के बाद मैंने थोड़ा सा एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा तजुर्बा जो है वो देने की शुरुआत की थी। जो कंपनियां लॉक होने के लिए थी, ऐसे कंपनी को हमने लीगल फॉर्म के तरफ से हमने मिरेकल करके दिखाया इंडिया में, और उसके मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरे खुद के वीडियोज भी आप देख सकते हैं। एडवोकेट आनंद भगत डालने के बाद कुछ लोग यहाँ पे विटनेस भी है, उनको पता है वो क्या कंपनी थी, क्या हो रहा था, और हमने सारे कॉम्प्लिकेशन उस कंपनी से निकाल के काम किए। दोस्तों, मुझे पता नहीं थी तारीख 12 मार्च, अभी शेवाड़े सामने बोला, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं आपको खुद अप्रोच हूं, मैं अलग अलग तरीके से ऑस्मोस को मैं अप्रोच हो रहा था कि सर आप मुझे मिलिए और मैं मेरी स्किल और मेरा अपडेशन मैं आपको देने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं मेरे तरफ से आपको अप्रोच हो रहा हूं, आप मुझे अप्रोच नहीं हुए सर। क्योंकि दोस्तों 14 मार्च को मैं बॉम्बे में था, लॉकडाउन घोषित हुआ था, 21 मार्च को पूरा लॉकडाउन हुआ, और मुझे पता चला कि ऑस्मोस करके एक प्लेटफॉर्म है जो महाराष्ट्र और इंडिया में धूम मचा रहा है, लेकिन थोड़ा सा शार्पनेस करने की कोशिश है ऑस्मोस को। तो जो जो मेरे पहचान के लोग मुझे प्लान भेजते थे या मुझे रिक्वेस्ट करते थे, दे आर द वेरी हायर लेवल पे, और मैं उनको बोलता था कि सर मेरी मीटिंग कीजिए कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, I want to make some correction in the company format। इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दोस्तों 20 साल से ये इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर रही है, लोगों को रोजगार देने की काम कर रही है, और अगर वही वापिस 10-12 लाख लोगों के बीच में ये नेगेटिव मार्क चला जाएगा कि ऐसी कंपनी आती है और चली जाती है, ये मैं करना नहीं चाहता था आपके लोगों में, इसलिए मैं खुद अप्रोच हुआ आपको। और मेरी यही कंसर्न था कि मैं जो कुछ मुझे पता था कि ट्रांजेक्शन में कंपनी के डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंप्लायंस करना बाकी है। लेकिन दोस्तों कोविड-19 के सिचुएशन के वजह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेस आज भी क्लोज है, और हमने फिर काम शुरू किया। करीबन 15 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई राइट, और मैं समझने की कोशिश की, मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की कंपनी को, कंपनी के प्रोडक्ट को, और उस तरीके से हम कंपनी को कंप्लायंस में, लीगल कंप्लायंस में
आपको कोई उंगली नहीं दिखा सकता कि भाई आपके पास में ये लाइसेंस नहीं है और आप ये काम नहीं कर सकते। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी कंपनी को सारा लीगल प्रोटेक्शन दूंगा। और देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय जो रहेगा दिल्ली, वहां पे हमारी कंपनी रिप्रेजेंटेशन करने जा रही है कि सर हम ये काम कर रहे हैं, आप हमें बताइए, और इस तरीके से हमारा हम बहुत जल्दी इस देश के सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के सामने हम खुद प्रेजेंट होने वाले। प्रॉब्लम यह था कि कोविड-19 की वजह से कुछ कंप्लायंस करना बाकी है और वो कंप्लायंस करने के लिए मेरे पास टाइम की जरूरत, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि सब कुछ एक ही लेवल पे हो रहा है। सुमित मुझे बोलता है सर ये भी करना है, ये भी करना है, सर ये भी करना है, ये भी करना है। मैं सुन के लेता हूँ सुमित का, फिर मुझे जो करना है उतना मैं सुमित को डिलीवर करता हूँ। सुमित सर आज इतना डिलीवर है, फिर कल में होता सर आज इतना डिलीवर, इतना ही मत, क्योंकि वो सब बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि जाया बटन दबाया और आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है इस केस में। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं आपको सही तरीके से मैं प्लान देने की कोशिश करूंगा, आपको टर्म्स कंडीशंस कुछ क्रोनोलॉजिकल बताने की कोशिश करूंगा जिससे नीचे जाके डुप्लीकेट हो सके वो सारी चीजें। और नीचे जब ग्राउंड पे डुप्लीकेट वो होगा तो कोई तकलीफ देने के लिए नहीं आएगा। मान के चलो कि सर आप है सर, अभी आपने किसी को प्लान बताया तो अगर तकलीफ होगी तो वो बनता किसके पास आएगा सबसे पहले? कंपनी के पास कोई नहीं आएगा सर। अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो बंदा आप ही के पास आएगा, सबसे पहले तकलीफ आपको चालू होगी सर। मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है। आज मोर देन मैंने 150